राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रिया, प्रिया विदखाना में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह मैं लाई हूँ कुछ खास। तो आज हम बनाएंगे मैंगो केक। केक पहले से ही कट चुकी है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी बनी है। तो चलिए कैसे बनी है शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दें जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है। इसको हम फटाफट से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। जो उपमा में डालते हैं ना सूजी जो वाली, वही वाली है, थोड़ी सी मोटी है, लेकिन हम इसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे। इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा तो बारीक नहीं होती है लेकिन हाँ ये हल्की सी बारीक हो जाती है। देखिए, तो इसको रखेंगे साइड में और यहाँ पर हम आम को फटाफट से छील लेंगे और काट लेंगे। और याद रखना कि आम बिल्कुल पका हुआ हो और मीठा हो। ये अभी हरा लग रहा है लेकिन अंदर जब ये छिलेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा मीठा और पका हुआ निकलेगा। तो फटाफट से इनको छील के काट लेते हैं। मैंगो को हमने यहाँ पर छील लिया है और यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे, सूजी को हम इसमें पलट देंगे और यहाँ पर हम आम को काट के इसको भी बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। आजकल मैंगो का सीजन चल रहा है तो आप तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे आम आ रहे हैं, कोई सा भी आम ले लें, ज़रूरी नहीं। फटाफट से हम इन सभी को काट लेंगे। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम नहीं लिए हैं, मात्र 3 आम लिए हैं। तो इनको जल्दी जल्दी काट के पीस लेंगे। तो ये देखिए, इसमें हमने मैंगो डाल दिए हैं और इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी हमने बहुत ज़्यादा नहीं ली है, 1 कटोरी तक ली है। अगर आम ज़्यादा मीठा हो तो कम डालें चीनी, अगर थोड़ा सा कम मीठा हो तो थोड़ी कम डालें, तो कुछ भी बोल देते हैं। तो अगर कम मीठा हो आम तो आप चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो हमने थोड़ी सी चीनी यहाँ पर बचा ली है क्योंकि ये कहीं ज़्यादा मीठा ना हो जाए केक, तो इसलिए हमने यहाँ पर चीनी थोड़ी बचा रखी है। और इसको हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बारीक पीस दी है हमने यहाँ पर, बिल्कुल भी इसमें टुकड़े वगैरह कुछ भी नहीं है, प्यूरी पूरी तरह से बिल्कुल बारीक पीसी है। यहाँ पर हमने सूजी गल ली है, बाउल में हम ये मैंगो भी डालेंगे। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर, किसी भी कंपनी का आप ले लें, और नहीं तो आप यहाँ पर दूध भी डाल सकते हैं। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्सर की हेल्प से इस तरीके से अच्छे से फेंट लेंगे। और इसमें हम डालेंगे घी, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर घी का यूज़ किया है, थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाए तब तक फेंटना है। और ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर दूध भी डाल देंगे, थोड़ा सा, आधा कप के समथिंग। थोड़ा सा हम यहाँ पर वनीला एसेंस डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। पाँच मिनट तक कंटिन्यू इसको अच्छी तरीके से फेंट लें विस्कर की हेल्प से, नहीं तो आप चाहें तो जैसे चम्मच से, चमचे से, किसी से भी अच्छे से फेंट सकते हैं। मैंगो का सीजन चल रहा है तो हमने सोचा आपको क्यों ना तरह तरह की रेसिपी मैंगो की ही बता दी जाए, आप लोग भी घर में ईजिली बना सकें। ये देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा दूध डालेंगे, थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस आधा कप के ही। इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। दूध से क्या है ना, सूजी बहुत अच्छे से फूल जाएगी।
अब इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। हम इसको आधे घंटे तक ढक के रख देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है यहाँ पर, इसको हम देख लेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से फूल चुका है, सूजी जो थी फूल चुकी है। और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये देखिए इस तरीके से मोटा रखना है, गाढ़ा सा। इसको रखेंगे साइड में। तो यहाँ पर हमने एक टिंडे ली है, इसमें हम ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर हम घी का यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल जो भी आप लगाना चाहें, बस याद हो कि सरसों का ऑयल वगैरह ना लगाएं, इससे ख़राब हो जाए। तो इसको अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। तो यहाँ पर टिन में हमने चारों तरफ ऑयल अच्छे से लगा दिया है। अब हम कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन रख दिया है, कढ़ाई रखी हुई है, इसको हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तब तक हम बैटर को टिन में डालेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। और इसमें हम एक कागज़ लगा लेंगे नीचे, यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर गैस को बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे कर दिया है और हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा ही डाला है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, और पूरे में फैला देंगे। और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दें, क्योंकि पहले यहाँ पर तैयारी कर लें तो फिर एकदम से सोडा वगैरह डालेंगे, बेकिंग पाउडर वगैरह, तो तुरंत यहाँ पर रखना पड़ जाएगा। तो इसकी तैयारी पहले कर लें। और अब हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बेकिंग सोडा ना डालें क्योंकि फिर बहुत अच्छे से नहीं बनता है। एक ही चीज़ डालें, बेकिंग पाउडर हमने यहाँ पर डाला है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको इसमें डालेंगे। इसको पूरे में इस तरीके से फैला देंगे। इसमें ऊपर से टूटी फ्रूटी वगैरह भी इनको ऐड कर देंगे। तो ये देखिए पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसको गैस पर रखते हैं। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखें, यहाँ हमने कोई स्टैंड नहीं लगाया है, इसको बस इसी तरीके से करेंगे और इसको अच्छी तरीके से थाली से ढक देंगे। और इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 30 से 40 मिनट का, तो आराम से थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, लेकिन ये पक जाएगा अच्छी तरीके से। तो इसको थाली से ढक देंगे। तो यहाँ पर हम 30 से 40 मिनट बाद हम थाली हटा के देखेंगे। हमको यहाँ पर 30 मिनट नहीं लगा है, हमको यहाँ पर 40 से 45 मिनट लगा है। तो इसमें हम चाकू लगा के देख लेंगे कि ये पका है या अभी कच्चा है। तो ये देखिए चाकू एकदम से पूरी तरह साफ है, तो ये यहाँ पर बन चुका है। ये देखो आसपास से छूट भी रहा है, देखिए। तो यहाँ पर हम गैस बंद करेंगे, हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही बनाया है, गैस को हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना करें। और गैस को हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इसको हम निकाल देंगे। और इसको हम अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने देंगे, फिर हम इसको निकालेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, तो पूरी तरह से ठंडा हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्लेट रखेंगे बड़ी सी और इसको
और इसको इस तरीके से पलट देंगे। ये देखिए एकदम से ये तो पलट गया है, और इसको हम हटा देंगे कागज को, इसको धीरे से पलट लेंगे और इसको हम काट लेंगे। ये देखिए तो ये देखिए हमने सभी के पीस काट लिए हैं सेम आकार में, और बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल देखिए फ्लफी बना है, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट बना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टाइट हो या वैसा हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजीली बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है और गैस को लो फ्लेम पर करना पड़ता है काफ़ी देर तक, 30 से 40 मिनट तक कंटिन्यू। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।